Hi everyone, this is Mayank Kothari. Today I'm going to discuss around 7 to 8 points with you. This is an update from my side regarding the strategic financial management and mostly regarding the strategic financial management and couple of other things also. So please pay attention. I'm going to hardly take your 10 to 15 minutes maximum for that. So what are the points that we are going to cover today? कुछ नौ पॉइंट हम कवर करेंगे. आप देख सकते हैं आपके सामने पहला पॉइंट है आंसर्स टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल अपलोड की थी. दैट इज़ 124 क्वेश्चंस थे उसके अंदर में, सारे एसएफएम से रिलेटेड थे. और ये 124 क्वेश्चंस रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है. यानी जिनके पास में टाइम कम है और उनकी पढ़ाई अगर नहीं भी हुई हुई है तो अगर इतना कर लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो जाएंगी कम टाइम में. दूसरा, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक दिन पहले रिवाइज करेंगे एसएफएम के पेपर के. पूरा प्रैक्टिस मैनुअल करना इज़ नॉट पॉसिबल. चार चैप्टर करो और तीन छोड़ने के बजाय हर कॉन्सेप्ट कवर कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में जाते जाते भले ही आपको इन आठ पॉइंट में कहीं फ़ायदा कुछ ना हो या सारी चीज़ें आपको पता होगी, एक तो बेनिफिट मैं आपको देके जाऊँगा, दैट इज़ फॉर द नॉलेज. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक मिनट का मैं डिस्कस करके जाऊँगा एंड विल एंड दिस. सो द फर्स्ट थिंग इज़ आंसर्स टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, मैंने आपको आपके साथ में शेयर किया था इम्पॉर्टेंट फाइल्स. अगर आप देखेंगे तो ये रही, ये जो पहला फाइल दिख रहा है आपको एसएफएम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है. इस ये मैंने अपडेट की थी. इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें, एक सेकंड, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ. जो मैंने पहले लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो. उस लिंक में जो पीडीएफ था उसमें छोटे से कुछ रेफरेंस के एरर्स थे. प्रैक्टिस मैनुअल के साथ जो रेफरेंस दिया हुआ था उसको बाद में मैंने अपडेट किया था, लेकिन तब तक काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर चुके थे. तो अगर आपने पुरानी या सबसे पहले डाउनलोड किया होगा वीडियो आते ही, अगर पहले दिन में ही डाउनलोड किया होगा, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो अगेन टू दैट लिंक एंड डाउनलोड द अपडेटेड रेफरेंस फाइल, ठीक है, अगर आपको दिक्कत जा रही होगी तो. इसके बाद में इसी वीडियो में मैंने यहाँ पे नीचे लिंक देखे रखा है, क्लिक द लिंक बिलो टू डाउनलोड आंसर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप ये लिंक को क्लिक करके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने बकायदा आपको प्रैक्टिस मैनुअल के रेफरेंस दिए हुए हैं. ये वो फाइल है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 124 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे. अब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है. अगर आपको प्रैक्टिस मैनुअल से इसका आंसर देखना है, स्टडी मटेरियल से इसका आंसर देखना है, तो आप उनमें से देख सकते हैं. लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिनके मेरे पास में स्टडी मटेरियल या इंस्टीट्यूट की तरफ से आंसर नहीं थे. जैसे कि ये क्वेश्चन ले लो, ठीक है. अब आपके पास में RTP नवंबर 15 नहीं होगी तो उसमें दिक्कत आ जाएगी. तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर एक जगह पर आंसर हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा. मतलब खीर तो बना दी, बस अब आप खिला दो मज़ा आ जाएगा. तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की, मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका अगर जेन्युइनली बोलूँ तो सर्च करने में. एक जगह पे आंसर्स इकट्ठा कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर्स नहीं होंगे, वो होंगे आंसर्स मेरे वीडियो लेक्चर से. सो मैंने स्लाइड्स तैयार की, ये है आंसर्स टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप अगर वो वीडियो पे जाओगे यूट्यूब पे, उस वीडियो में नीचे में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके आएगी गूगल ड्राइव में. आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे 12 चैप्टर्स है जो मैंने उसमें दिए हुए हैं. और ये उन आंसर्स की स्लाइड है, एक एक स्लाइड कैसे दिखेगी मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज़ ऑल अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, ठीक है. एंड मोस्टली सबके पास एंड्रॉयड होता है या iOS ऐप होता है, उसमें आपके मोबाइल फ़ोन में चली जाता है. सो आपको यहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. आगे बढ़ते हैं, फटाफट कवर करूँगा, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं. SFM न्यू सिलेबस के वीडियोस, अच्छा बहुत सारे लोग इसी मतलब मैसेजेस और मेल्स आते हैं तो मैंने सोचा क्लैरिटी दे दूँ. SFM न्यू सिलेबस के वीडियोस अवेलेबल है. 50% ऑफ द कॉमन टॉपिक्स जो ओल्ड और न्यू में था वो मैंने डिस्पैच करना शुरू करवा दिया है, बाकी की रिकॉर्डिंग चालू है. थोड़ी सी दिक्कत ये आई है, लेट क्यों हो रहा हूँ मैं, क्योंकि एक पर्सनल इवेंट है मेरा अक्टूबर में, उसके बाद में नवंबर 17 जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं, तो उनको पहले सपोर्ट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उतना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता. नवंबर में काफ़ी कुछ हो जाएगी. सो दिसंबर फर्स्ट वीक में या दिसंबर मिड में बाकी का 50% आपको अवेलेबल होगा. कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, एक बार का मैं अंदाज़ा आपको दे देता हूँ. द ओनली प्लेस दैट यू कैन बाय द वीडियो लेक्चर्स इज़ देर आर 7 to 8 फ्रेंचाइजीज़ इंदौर में है,
कानपुर में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई पुणे में है, उनके पास जाके भी आप ख़रीद सकते हो, और भीलवाड़ा में भी है, उनके पास जाके भी आप ख़रीद सकते हो वहाँ से, या फिर आप कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सक सॉरी डाउनलोड बोल रहा हूँ सॉरी ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज़ कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट, ठीक है। आप अगर जाओगे यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ओल्ड सिलेबस का है, ठीक है, ये ब्लू वाला। अब मैं अगर और इधर करूँ तो ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है दिस इज़ फॉर न्यू सिलेबस, ये न्यू सिलेबस वाला पार्ट है। और यहाँ पे क्लैरिटी मैंने ऑलरेडी दी हुई है, 50% जो है वो डिस्पैच होगा सितंबर 10 तारीख से, यानी तब से हो चुका है, और बाकी का डिसंबर 1 वीक या नवंबर 30 के एंड में डिस्पैच होगा, मान के चलिए डिसंबर 15 तारीख हो जाएगी, बट यू विल गेट ऑल द वीडियोज लेक्चर्स। सो ये हो गया न्यू सिलेबस के बारे में। सर तीसरी चीज़ आरटीपी के मिस्टेक के बारे में बता दो। अच्छा आरटीपी में कहाँ पे मिस्टेक है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है आपकी आरटीपी नवंबर 2017 की एसएफएम की आरटीपी। अगर आप इस पे आते हो तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 बॉन्ड वैल्यूएशन और एनएवी दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो है बॉन्ड, ये जो आपको दिए हुए हैं बॉन्ड की डिटेल दी हुई है टेबल में, लेकिन आपको एस्टिमेट करने क्या बोला है, नेट असेट वैल्यू। अब ध्यान दो, इसमें आखिरी का कॉलम है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, हम ड्यूरेशन को ईयर्स में मानते हैं, ठीक है। अच्छा इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, चौथे का आंसर मैं लेके आता हूँ। ध्यान देना, आई थिंक हाँ ये सेकंड और थर्ड बॉन्ड पे ध्यान दो, जो 2023 वाला बॉन्ड है ना, 2028 दिखेगा, 2023, 21 और 25, सेकंड और थर्ड पे ध्यान देना। सेकंड बॉन्ड के वोलेटिलिटी वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो 5.086 न्यूमरेटर में, लेकिन 1.05 डिनोमिनेटर में है। अब दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 10% पर एनम, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है तो उन्होंने डिनोमिनेटर में 5% बराबर लिया, लेकिन ड्यूरेशन जो लिया वो 1 ईयर का ही लिया। सो न्यूमरेटर में ड्यूरेशन 1 ईयर का है, डिनोमिनेटर में जो YTM लिया वो हाफ ईयर का है, बेस मैच नहीं करता। इसके बाद सेम चीज़ हुई है तीसरे वाले में भी, तीसरे वाले बॉन्ड में भी, उसमें भी 5% नीचे लिया और ऊपर में फुल ईयर का ड्यूरेशन लिया। इसका करेक्ट आंसर मैंने जो अब वीडियो अपलोड किया था SFM का RTP नवंबर 2017 का वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, आप अगर YouTube पे जाओगे। ये RTP नवंबर 2017 का ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसमें आप मैंने ये चीज़ सेम चीज़ डिस्कस भी की है। ऐड छोड़ दो, स्किप ऐड, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच जाओगे। मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसमें ये काम नहीं करेगा, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें ये लिंक्स काम करती है। तो तकरीबन कहाँ है क्वेश्चन नंबर 4, 57, 38, या फिर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ 1, 27, 57, अच्छा मैंने क्या यूज़ किया है अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान देना। अगर आप देखोगे तो सेकंड वाले में मैंने 5.086 डिवाइडेड बाय 1.10 ही रखा है, और इसमें भी थर्ड वाले में भी मैंने डिवाइड बाय 1.10 ही रखा है। 1.05 लेना है तो सर न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरा ये एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर RTP का YouTube पे देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा वेरिएशन आता है, बहुत ही मिनिमम है, मतलब राउंडिंग ऑफ का जैसे डिफरेंस आएगा आपका, और कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू क्लियर। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही गलत आंसर है अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो। ये क्या हो गया भाई, तो वापस आते हैं ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, यस ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये भी वीडियो में सजेस्ट करूँगा देख लो, अगर आपके पास पूरा RTP का वीडियो देखने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इतना तो भी देख के काम ख़त्म करना। अच्छा इसके बाद क्या डिस्कशन करने वाले थे हम, डाउट्स के बारे में बताता हूँ, SFM के डाउट्स ऑन व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप बैन कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे मैंने बीच बीच में वीडियोस भी डाले थे यूट्यूब पे कि किसी को कोई पता होगा एरर क्यों कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम जो जा रही थी मेरे को, तो बताइए। बीच में व्हाट्सएप भी बैन हो गया था, व्हाट्सएप वालों ने बैन किया, मैंने उनको मेल किया, उन्होंने फिर से बैन हटाया, मेरे को वार्निंग भी दी। अच्छा क्यों हुआ, 500 से 600 अननोन नंबर से रोज़ डाउट्स आते थे, ठीक है। तो ये अनरीड रह जाते थे क्योंकि मैं, हो सकता है कई एक दिन दो दिन में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ अगर कहीं बाहर गया, तो दो दिन का जो कलेक्शन हो जाता था वो कम से कम 700 से 1000 तक का हो जाता था। तो ऐसे करते करते, और बाकी इन सबको वापस रिप्लाई भी करना, ठीक है, इसकी वजह से मे भी हो सकता है कि व्हाट्सएप वालों को लगा कि ये प्रॉपर एक्टिव ये एक्टिविटी उनको प्रॉपर ना लगी हो, इसलिए उन्होंने नंबर बैन कर दिया। अब उनको थोड़ी पता मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, उनके हिसाब से हो सकता है मैं कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ या बहुत लोगों को परेशान करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी लोगों ने, अच्छा उसके बाद क्या हुआ ना, क्योंकि बैन हो गया था नंबर और मैं नहीं चाहता था कि वापस से बैन हो, इसलिए व्हाट्सएप पर सारे डाउट्स मैंने बंद कर दिए। यस, थोड़ा बहुत नुकसान आपको हुआ है, थोड़ा बहुत बुरा मुझे भी लग रहा है उस चीज़ का कि मैं आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बट देर इज़ नथिंग वी कैन डू बिकॉज दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक मेरे को बोला कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि व्हाट्सएप बैन हो जाए, क्योंकि आपने शायद नहीं देखा होगा मोस्टली व्हाट्सएप बैन होते हुए, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था, बट दिस हैपन्ड। फेसबुक बैन समझ में आता था, बाकी चीज़ें समझ में आती थी, लेकिन व्हाट्सएप का नहीं समझ में आया, बट दिस हैपन्ड। आई विल शो यू द मेल इटसेल्फ, मैंने उनको मेल किया था व्हाट्सएप वालों को, आप ये नंबर देख लो, दिस इज़ व्हाट्सएप सपोर्ट का ईमेल आईडी है, support@support.whatsapp.com। अगर अभी आप खुद पढ़िए नीचे वाला जो आइटम है ना, एकदम नीचे में अगर आप देखेंगे सेकंड दो लाइन जो है, देर वॉज नो इलीगल और लाइक एक्टिविटी फ्रॉम माई नंबर, स्टिल दिस नंबर हैज़ बीन बैन, प्लीज़ रिप्लाई विद द रीजन्स। ये मेरी तरफ से मिल गया था उनको, और उसके रिप्लाई में उन्होंने ये चीज़ बोला, आप अगर देखेंगे, हाय थैंक्स फॉर योर मैसेज, योर व्हाट्सएप अकाउंट वॉज बैंड बिकॉज यू वायोलेटेड अवर टर्म्स ऑफ सर्विस, आई डोंट नो, ठीक है क्या था वो, प्लीज़ रिव्यू दिस FAQs, एट दिस टाइम योर अकाउंट हैज़ बीन अनबैंड, प्लीज़ अबाइड बाय द फॉलोइंग। टेम्पररीली अनबैन हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब बैन नहीं होगा वापस। सो दैट वॉज द रीज़न मेन। जो स्टूडेंट्स है जो वीडियो लेक्चर्स खरीद रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेयर से डाउट्स पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, उनके डाउट्स अभी भी एंटरटेन हो रहे हैं, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों के लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है डाउट्स, अगर एंटरटेन करने हैं मेरे को तो क्या सोल्यूशन आ सकता है, आई विल कम अप विद इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईटी से रिलेटेड कोई भी काम बहुत टाइम लेता है। माई अवेलेबिलिटी इन अक्टूबर, पाँचवीं चीज, अक्टूबर 18-17 से लेके 22-23 में भी हो सकता है, वहाँ तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ डाउट्स के लिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स खरीदे हुए हैं और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेयर्स से डाउट्स पूछते हैं, आई विल नॉट बी अवेलेबल। हो सके तो जहाँ पे मेरे को टाइम मिलेगा मैं बीच बीच में डाउट सॉल्व करते रहूँगा, लेकिन अगर मेरे रिप्लाई आ रहे तो ये मत समझना कि मैं अवेलेबल हूँ, वो टाइम में बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं डाउट्स को रिप्लाई करूँगा, बट मैक्सिमम विल नॉट बी अवेलेबल। पर्सनल इवेंट है घर पर, तो उसके बाद में मैं अवेलेबल रहूँगा, लेकिन दिक्कत क्या जाएगी मैं आपको बताता हूँ। 23 के बाद अगर मैं डाउट सॉल्व करने जाऊँगा तो वो 5-7 दिन का क्लियरेंस, जो डाउट्स का जो पाइलअप हो जाएगा इतना सारा, वो क्लियर करने में मेरे को 28-29 तारीख हो जाएगी, तो मैं 4-5 दिन पीछे ही चलने वाला हूँ उस टाइम पे। सो प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट फॉर द डाउट्स एंड डोंट एक्सपेक्ट कि रिप्लाई आएगा, दिस इज़ वेरी लाइक क्या बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस चीज़ के लिए कि माफ़ करना, थोड़ा सा डिले होएगा 5-1 दिन का, एंड अटेम्प्ट नज़दीक आ गया, सो मेरे लिए तो साल भर रहता है डाउट्स का। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम अक्टूबर लाइक 18-17 से लेके 22 तक। उसके बाद ICAI अपडेट ऑन ब्लैक पेन एंड स्टेपलर, अच्छा कल या परसों आई थिंक ICAI ने न्यूज़, ICAI का जो आपने एडमिट कार्ड आपके पास में होगा, एडमिट कार्ड में ये नोटिफिकेशन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेबसाइट पर तो आया ही नहीं है, एडमिट कार्ड में आपके क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्लैक पेन यूज़ करो। सो ब्लू पेन आपने कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। अब डाउट आता है कि ब्लैक जेल पेन या ब्लैक बॉल पेन या दोनों, जेल पेन यूज़ कर सकते क्या सर, ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते क्या? व्हाट आई विल सजेस्ट इज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मेरे को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है जेल पेन या ब्लैक पेन के बारे में, और क्योंकि टाइम नहीं मिला फ्रैंकली स्पीकिंग, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज बी ऑन अ सेफर साइड। जेल पेन अगर आप बॉल पेन यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉल पेन तो हर कोई अलाउ करेगा ही करेगा, बॉल पेन वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जेल पेन वाले जो है, ब्लैक जेल पेन वाले, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ सेफर साइड रहो, पैनिक मत हो, थोड़ा टाइम जाने दो, अपने आप चीज़ें पता चल जाती है। एकदम उसी दिन में आपको सारे के सारे आंसर होना रहता है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक में यही यही चीज़ मिलेगी।
सो पैनिक नहीं होना, जाने देना, बाकी लोगों को चेंगड़ धांगड़ मांगड़ सब मचाने दो, आप शांति से रहो। दो पेन खरीदना है मार्केट जाके, जेल पेन की, दो पेन पेन खरीदना है बॉल पेन की, सेफर साइड रह के सब लेके चलो। आखिरी में जाते जाते आपको पता चल जाएगा, नहीं भी पता चला बॉल पेन यूज़ करना, ख़त्म हो जाती कहानी। उसके बाद में स्टेपलर भी आप ही को लेके जाना है, हो सकता है थ्रेड्स दे वो बांधने के लिए, लेकिन स्टिल मे बी हो सकता है कि उनको लगा कि भाई थ्रेड्स की वजह से कुछ कुछ पेपर्स में दिक्कत आ जाती है कि कहीं थ्रेड्स टूट गया, उड़ गया, पेपर अलग हो गया, तो बच्चों का नुकसान हो जाता है। जो भी हो, थ्रेड्स मिले ना मिले, आपने अपना स्टेपलर लेके जाना है। अब बहुत सारे बच्चों ने मार्केट में ये चेंगड़ मचाना शुरू कर दिया कि ICI इतनी गरीब है, इतनी सारी फ़ीस लेती है एग्ज़ाम की, और फिर भी एक स्टेपलर नहीं दे सकती बच्चों को। वैलिड है आप लोगों का पॉइंट एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की तरफ से देखा जाए तो, इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ही ज़रा सोचो, क्या इंस्टीट्यूट एक एग्ज़ाम हॉल में अगर 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो क्या इंस्टीट्यूट 40 स्टेपलर लाएगी? नहीं। क्या इंस्टीट्यूट दो तीन स्टेपलर प्रोवाइड करेगी सबको? अरे दो तीन चार स्टेपलर अगर प्रोवाइड करने जाएगी इंस्टीट्यूट सबको, तो फिर क्या होएगा? मेरे को स्टेपलर दे, मेरे को स्टेपलर दे, और आखिरी मोमेंट पे सब झगड़ा करेंगे, वहाँ पे जाके पैनिक होएगा सिचुएशन, फिर उनको संभालना मुश्किल, आपके लिए दिक्कत। इसी वजह से इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि आप अपना अपना स्टेपलर लेके आओ, 50 रुपये का स्टेपलर आता है मार्केट में, जाके लेके आ जाओ, क्यों चेंगड़ मचाना? इंस्टीट्यूट को गाली देने से क्या होने वाला है? इंस्टीट्यूट गरीब नहीं है, इंस्टीट्यूट चाहे तो कर सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूट के कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ते हैं कि अगर उन्होंने चार स्टेपलर रखे खाली तो उसका उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, किस तरह से बच्चे झगड़ेंगे, हैं तो बच्चे ही ना, ठीक है। सो आप सेफर साइड होके अपनी तरफ से सारी चीज़ें लेके जाओ, आपका पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। 3 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते अच्छा अब देखो, तो ये भी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली, अपडेट ऑन ब्लैक पेन एंड स्टेपलर, अब SFM अदर फाइल्स बाय मी। जिन जिन लोगों को बाकी की मेरी फाइल्स को एक्सेस करना है, बहुत सारे फाइल्स हैं मेरे पास में जो मैं बच्चों के लिए बनाते रहता हूँ, तो जितना मेरे से होता है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ईमेल आईडीज़ के थ्रू, फिर भी पूरे इंडिया में 70,000 80,000 1-1 लाख बच्चे हैं। उन लोग जो मेरे टच में नहीं रहते, YouTube से मैंने देखा कि YouTube में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो YouTube से ज़्यादा टच में रह पाता हूँ मैं, इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बोलता हूँ उसके बारे में, ना कि सिर्फ शेयर करता हूँ अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में। सो अगर आपको बाकी की मेरी अदर फाइल्स को एक्सेस करना है तो व्हाट आई विल डू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखो क्या होगा उससे, अगर जब आप एक्सेस करोगे तो आपको ऐसे 3 फोल्डर मिलेंगे, उसके अंदर में May 17, May 18 और November 17। यही लिंक में मैं आगे जाके भी ऐड और लेस करते जाऊंगा। May 17 आपके काम का नहीं है, November 17 आपके काम का ज़रूर है। इसमें सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल मिल जाएगी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। रिविजन के लिए ऑडियो नोट्स चाहिए आपको, रिविजन के लिए 500 ऑडियो नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी बच्चों को पता है मैंने व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। कंसेप्ट वाली फ़ाइल चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करूँगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको यहाँ पे काम आ जाएगी। जो नए सिलेबस वाले अगर वीडियोस देख रहे हैं तो नए सिलेबस वालों के लिए ये फोल्डर रहेगा, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालते जाऊँगा, अभी कुछ भी नहीं है इस फोल्डर में। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू कम अगेन एंड अगेन, जैसे 2018 वाले हैं या 2018 ऑनवर्ड्स के अटेम्प्ट वाले, तो ये लिंक को आप अपने पास रख लो, बीच बीच में आके देखा करो, कुछ अपडेट आया क्या, नया आया क्या, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, मतलब वो कंटेंट आपके काम आएगा। उसके बाद में सेकंड लास्ट पॉइंट है SFM कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस मैनुअल। देर इज समथिंग अ पर्टिकुलर फाइल दैट आई हैव मेड, अगर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे एक तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली फाइल बताई, काफ़ी टाइम हो गया, अगर आपको रिवाइज करना है तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली फाइल बताई। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी और की फाइल पे या कुछ ना देखते हुए सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल पे बिलीव करना चाहते हो, तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल का थोड़ा सा एनालिसिस किया। प्रैक्टिस मैनुअल में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये इसकी एक मैंने अलग से फाइल बना ली है, ये आपके काम आएगी रिवाइज करने में। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, वो आप अवॉइड कर सकते हो, उसमें से 3-4 सिलेक्ट कर लो बस का। तो अब ध्यान देना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करो, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोड होने, सॉरी लोड होने में। ध्यान देना, ठीक है।
दिस इज कंसेप्ट वाइज डिटेल्स ऑफ SFM प्रैक्टिस मैनुअल। अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल 2017 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर में टोटल में 504 क्वेश्चन है। वही अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत मतलब एक मिस्टेक है उन लोगों की, उस स्टडी मटेरियल में टोटल में 104 के आसपास क्वेश्चन है। 2-4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे पकड़ के चलना, सर कमेंट मत करना, सर 107 क्वेश्चन थे उसके अंदर में, और नहीं तो ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सब चीज़ें चालू होती है। ये चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग से मैंने लिया है, फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये लाइन में आपको मिलेंगे कि इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, और ये है आपका कॉन्सेप्ट वाली साइड। देखो पहले 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, उसके बाद में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है, तो ये आपको हेल्प करेगा। बहुत बड़ी फाइल है क्योंकि 500 क्वेश्चन है, तो 500 लाइन आइटम्स होंगे, बीच में आखिरी में थोड़ी बहुत ऐड है, जैसे मर्जर्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो चॉप शॉप मेथड आपको, और भी अगर एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँ, चलो ये लोड होने में टाइम लगाएगा, अभी छोड़ दो। तो ये एक चीज़ हो गई। इसकी लिंक भी, इसकी लिंक तो देखो ऐसा है कि आपको इसी के अंदर मिल जाएगी अदर फाइल्स में, फिर भी अलग से ही सिर्फ इसको एक्सेस करना है तो मैं इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बारी आती है स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ SFM, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जितनी न्यूज़ देनी थी दे दी मैंने, और फिर भी हो सकता है कि आपके कुछ काम नहीं आया हो वीडियो, तो एक चीज़ मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा देना चाहूँगा। मैं बताता हूँ SFM में अगर आप डेरिवेटिव्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो देर इज़ वन थिंग इन द डेरिवेटिव्स ऑप्शन। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन का टाइप दो तरह का होता है। एक तो अमेरिकन ऑप्शंस हो सकते हैं या तो यूरोपियन ऑप्शंस हो सकते हैं। यूरोपियन ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि सिर्फ मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज किए जाते हैं। अमेरिकन ऑप्शन ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि सिर्फ जो आप ड्यूरिंग द पीरियड या मैच्योरिटी कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमने सीख लिया, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। देर इज़ समथिंग प्रैक्टिकल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस होते हैं वो यूरोपियन होते हैं या अमेरिकन होते हैं? द आंसर इज इंडियन स्टॉक मार्केट, अच्छा ऑप्शंस जो होते हैं ना उसमें अंडरलाइंग असेट होता है, दैट असेट कैन बी स्टॉक, दैट असेट कैन बी इंडेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं स्टॉक और इंडेक्स की बात करता हूँ। TCS का शेयर इज द स्टॉक बट निफ्टी सेंसेक्स इज द इंडेक्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो अमेरिकन होते हैं या यूरोपियन होते हैं? पहली चीज, जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन हो सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं, यानी इंडेक्स ऑप्शंस आप सिर्फ मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं वो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं जो कि कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैंने स्टॉक ऑप्शन खरीदा तो मैं आज खरीदा तो मैं कल बेच नहीं पाऊंगा? अमेरिकन ऑप्शन है, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इंडेक्स ऑप्शंस यूरोपियन होते हैं तो मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज होते हैं। तो सर ऐसी बात है क्या कि अगर मैंने इंडेक्स ऑप्शन खरीदा कॉल या पुट तो मैं कल बेच नहीं पाऊंगा उसको, क्योंकि आपने तो बोला मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज होता है? देर इज स्लाइट मिस्टेक एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन सेइंग दिस। ऑप्शन आप कभी भी खरीद बेच सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज मैच्योरिटी पे होगा। इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज करना और सेल करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक्सरसाइज करना और सेल करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। खरीद बेच कभी भी सकते हो, अमेरिकन ऑप्शन हो या यूरोपियन ऑप्शन हो। सिर्फ एक्सरसाइज करने की बात आती है तो यूरोपियन ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन इंडिया में मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज होंगे, और स्टॉक ऑप्शंस आपके कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज अपडेट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम November 2017 exam। जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी लोगों ने मेरी वीडियोस देखे हैं या फिर जितने भी लोगों ने कुछ कंटेंट यूज़ किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे को आपके एग्ज़ाम के बाद में बताओ कि आपका पेपर कैसे गया। ड्रॉप करो मैसेजेस व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे या ईमेल करो। दूसरा, प्लीज़ मार्क्स जब रिज़ल्ट आएंगे तब मेरे को बताना। तीसरा, प्लीज़ शेयर द फीडबैक ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, ऑफ द कंटेंट, ऑफ द डाउट्स एंड ऑफ द यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। जहाँ पे भी आप मेरे को इंप्रूवमेंट का स्कोप बताओ कि उस पर मैं सोचूंगा और उस पर मैं फिर अमेंड करूँगा, अपडेट करूँगा। Nobody is perfect in this world. I want to improve myself. I am asking the feedback from you, genuine feedback, ठीक है। और उसके बाद में भी आपके आंसर शीट्स जब आएंगे,
आप पास हो गए, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आंसर्स आपके एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए तो प्लीज़ नवंबर 17 के जब आंसर शीट अगर आप मंगाओगे तो मेरे को भेजो। स्टार्टिंग के कुछ 15 या 25 आंसर शीट्स मैं चेक करके एनालाइज़ करके भेजता हूँ। इसमें मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरे को पता चल जाता है इंस्टीट्यूट मार्किंग कैसे दे रही है, और इसमें बच्चों का फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चों को पता चल जाता है गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे कि पुराने बच्चों का जो आंसर शीट्स आई है उसमें क्या क्या गलतियाँ लोगों ने की, ताकि बाकी लोग गलतियाँ ना कर पाए। नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा। आई विल मेक श्योर दैट। सो बाय बाय फॉर नाउ।